नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अभिषेक सागर है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में। अब इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं, आपको बताऊं कमांड्स के बारे में, मैं एक क्विक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, क्योंकि मेरे चैनल के साथ रोजाना 3000, 2000, 1000 ऐसे लोग हजारों की संख्या में जुड़ते हैं और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लिनक्स या साइबर सिक्योरिटी के बारे में इतना नहीं जानते। तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं उन्हें इसके बारे में पहले समझा दूं। जैसे आप अपना कंप्यूटर चलाते हैं तो आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाते हैं, राइट? अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज़ नहीं डली तो आप दूसरा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपके लैपटॉप में विंडोज़ नहीं डली हुई है तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या पेंट ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होना ज़रूरी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऐसे ही मार्केट में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अब नॉर्मल जो ऑफिस में काम करने वाला इंसान है उसके लिए विंडोज़ एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन जो सिक्योरिटी वाले हैं, हैकर्स हैं, पेन टेस्टर्स हैं, ये जो लोग होते हैं या बाउंटी हंटर्स जो हैं, इन लोगों के लिए एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है जो लिनक्स काफ़ी सूटेबल होता है, काले लिनक्स जिसे हम कहते हैं। वो ऑपरेटिंग सिस्टम नॉर्मली विंडोज़ की तरह काम तो करता ही है, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा काम लेना चाहते हैं तो आपको टर्मिनल की ज़रूरत पड़ती है, जिसे लिनक्स शेल भी कहा जाता है। टर्मिनल एक ब्लैक स्क्रीन है जहाँ पर आप कमांड लिखते हैं और उसका आउटपुट आता है। तो अब वहाँ पर क्या कमांड लिखनी है आपको कैसे पता चलेगा? अगर आप एक हैकर बनना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपको लिनक्स चलाना आना चाहिए और लिनक्स चलाने के लिए आपको उसकी कमांड्स आनी ज़रूरी हैं। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं लिनक्स से रिलेटेड कुछ बेसिक कमांड्स। ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए है, 6th, 5th, 4th, 7th, 8th, ये जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए ये है, ताकि वो भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सीख पाएं और आगे कुछ बढ़ पाएं। अब मैं ये मानकर चलता हूं कि आप अपने कंप्यूटर में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर चुके हैं और आपने लॉगिन कर लिया है और आपकी स्क्रीन के सामने टर्मिनल है। अगर आप PWD टाइप करेंगे तो आपको आउटपुट आएगा और जो आपका सिस्टम है वो आपको बता देगा कि आप अभी कौन सी डायरेक्टरी में करंटली हैं। तो अब स्लैश जो होता है वो रूट को डिनोट करता है। उसके बाद आपका कुछ नाम ऐसे दिख सकता है, स्लैश होम और आपका जो भी यूज़र नेम है, तो स्लैश के पीछे जो रूट होता है, तो रूट से ही शुरुआत होती है। ये इसका बेस पाथ होता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो आप इससे पता कर सकते हैं आप कौन से करंट डायरेक्टरी में अभी हैं। अगली कमांड की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है ls। अगर आप ls लिख देते हैं स्मॉल में l एंड s, तो आप जिस भी डायरेक्टरी में हैं वहां पर कितनी सारी फाइलें, कौन सी फाइल हैं, उनकी पूरी लिस्ट आपको अपने टर्मिनल पर देखने को मिल जाएगी। मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि हिडन फाइल्स भी आपको शो हो जाएं, तो आप ls स्पेस टैग a का इस्तेमाल कर सकते हैं और जितनी भी फाइल है, ऑल फाइल्स, सारी फाइल्स आपको अपनी स्क्रीन पर, टर्मिनल पर दिख जाएंगी और उसके साथ आप फिर बेसिक ऑपरेशंस कर सकते हैं। अगली कमांड है cd और ये कमांड केस सेंसिटिव है। आपको c लिखना है, d लिखना है। ये कमांड क्या करती है, आपके डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए आपको मदद करती है। अगर आप किसी और डायरेक्टरी में जाना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जाना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं cd और उस डायरेक्टरी का नाम और आपको आपका सिस्टम उस डायरेक्टरी में पहुंचा देगा। उसके बाद आप PWD टाइप करके देख सकते हैं कि आप अपनी कौन सी डायरेक्टरी में पहुंच चुके हैं और वहां पर जो भी फाइल्स के साथ बेसिक ऑपरेशंस आप करना चाहते हैं, कोई बैश रन करना चाहते हैं या तो कोई पाइथन की स्क्रिप्ट रन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पाथ कैसे चेंज करना है, किसी डायरेक्टरी में कैसे जाना है। अगर अंदर अंदर कहीं पर आपकी पाइथन की स्क्रिप्ट, कोई एक्सप्लॉइट छुपा हुआ है, आप उसको तभी एक्सेस कर पाएंगे जब आप उस डायरेक्टरी तक पहुँच पाएँ। तो ये कमांड आपको उस डायरेक्टरी तक पहुंचा देगी। लेकिन इस कमांड के साथ एक परेशानी ये है कि जब आपके जो फोल्डर होते हैं वो किसी एक नाम से तो होते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके डायरेक्टरी का नाम है रेसबरी स्पेस पाई, क्योंकि आप फाइल नेम में भी, फाइल नेम या डायरेक्टरी नेम में भी एक स्पेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टर्मिनल पर इसको इस्तेमाल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लिखते हैं cd स्पेस रेसबरी स्पेस पाई, क्योंकि आपका फोल्डर का नाम रेसबरी स्पेस पाई है, तो वहाँ पर ये बोल देगा कि डायरेक्टरी नॉट फाउंड या ऐसी कोई डायरेक्टरी अवेलेबल है ही नहीं, एग्जिस्ट करती नहीं है। ऐसे केस में आप बैकवर्ड जो बैक स्लैश होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको वो पहुँचा देगी रेसबरी पाई नाम के फोल्डर में। ये एक छोटी ट्रिक आप ध्यान में रखें। अगली कमांड है डायरेक्टरी बनाने के लिए जिसका नाम है mkdir, मेक डायरेक्टरी आप इसको कह सकते हैं। mkdir का इस्तेमाल करके स्पेस देके अगर आप कोई
नाम लिखते हैं तो उस नाम की एक डायरेक्टरी मतलब उस नाम का एक फोल्डर आपके करंट लोकेशन पर बन जाएगा जहां भी आप पाथ पर हैं। अगर आप डेस्कटॉप पर हैं और आप mkdir का इस्तेमाल करके स्पेस दे के लिखते हैं सागर, तो सागर नाम का एक फोल्डर आपके डेस्कटॉप पर बन जाएगा। और किसी भी पाथ पर आप कहीं भी लोकेशन पर हैं तो आप इस कमांड का इस्तेमाल करके एक डायरेक्टरी टर्मिनल से ही बना सकते हैं। और डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए कमांड है rmdir, जिसे रिमूव डायरेक्टरी भी आप कह सकते हैं। इससे कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्टरी जो आप मेंशन करेंगे स्पेस देने के बाद, वो उस लोकेशन से डिलीट हो जाएगी, हट जाएगी। जो कमांड मैंने आपको बताई rmdir, ये एक खाली डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी और उसके अंदर की सारी फाइल्स आप डिलीट कर दें, तो आप rmtacr का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये कमांड उस फोल्डर के अंदर से, उस डायरेक्टरी के अंदर से सारी फाइल्स को डिलीट कर देगी और साथ ही साथ वो फोल्डर भी डिलीट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं टच कमांड की तरफ, जो कि ब्लैंक फाइल, एम्प्टी फाइल बनाने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप लिखेंगे टच स्मॉल लेटर्स में, स्पेस देने के बाद लिखेंगे sagar.txt, तो सागर नाम की एक टेक्स्ट फाइल डेस्कटॉप पर बन जाएगी या उस डायरेक्टरी में बन जाएगी जहां पर आप कभी करंटली अभी हैं। तो ये ब्लैंक फाइल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। आप txt की जगह zip भी लिख सकते हैं, तो एक खाली कंप्रेस्ड फाइल वहां पर बनकर तैयार हो जाएगी। अगली कमांड है लोकेट, जिसका इस्तेमाल किया जाता है आपके सिस्टम में अगर आपको फाइल नहीं मिल रही है और आप चाहते हैं कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी मदद करे और आपको बताए कि वो पर्टिकुलर फाइल आपके कंप्यूटर में कहाँ है, तो आप टर्मिनल पर जाकर स्मॉल लेटर्स में लिख सकते हैं लोकेट, स्पेस देने के बाद अगर आप जानते हैं कि उस फाइल का कोई एक वर्ड आपको पता है तो tacr लिख सकते हैं और उस वर्ड को लिख सकते हैं, तो वो फाइल जहां भी होगी या जिस भी फाइल में वो वर्ड इस्तेमाल में लाया जाएगा वो आपको दिख जाएगा टर्मिनल पे। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप लिखते हैं लोकेट tacr और वहां पर लिखते हैं फाइल नेम सागर, तो सागर नाम की जो फाइल है या सागर जिस भी फाइल में है वो आपको दिख जाएगी, उसका पूरा पाथ आपको टर्मिनल पर दिख जाएगा। इसको आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको किसी फाइल का दो नाम याद है, जैसे माय नेम इज सागर, इस नाम की कोई अगर इस नाम का कोई फोल्डर है, इस नाम का कोई फाइल है, तो अगर आप उसे लोकेट करना चाहते हो तो कैसे करोगे उस फाइल को, माय नेम इज सागर नाम की फाइल है कैसे करोगे, तो आपको दो वर्ड याद है माय नेम, बस ये याद है, तो आप इसको एस्टरिस्क का इस्तेमाल करके अलग कर सकते हैं। फाइल को लिखिए एस्टरिस्क के अंदर और एक फाइल को लिखिए, तो ये दोनों पार्ट फाइल के वो सर्च करेगा और जिस भी फाइल में वो दो पार्ट दो वर्ड नजर आएंगे वो फाइल आपको वो टर्मिनल पर लोकेट कर देगा, उसका पाथ आपको नजर आ जाएगा और आप ऐसे फाइल्स बहुत ही आसानी से लिनक्स के टर्मिनल पर ढूंढ सकते। अगली कमांड आती है sudo, जिसका मतलब होता है सुपर यूजर डू, तो ये सुपर यूजर के लिए होती है, मतलब मेन मालिक आप कह सकते हैं जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का है। अगर आप कोई पैकेज इंस्टॉल करना चाहते हैं apt-get करके जो इंस्टॉल करते हैं apt-get, तो sudo का इस्तेमाल किया जाता है। सुपर यूजर डू मतलब सुपर यूजर के प्रिविलेज आप उसको देना चाहते हैं, ये सबसे हाईएस्ट प्रिविलेज आपको मिलता है सुपर यूजर का, जिससे आप पैकेज वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप sudo su लिख देंगे तो आप इसमें मेन रूट बन जाते हैं। अपने टर्मिनल पर आप जब स्टार्ट करेंगे तो शायद आप पहले रूट नहीं होंगे, अगर आप sudo su लिख देंगे तो आप रूट बन जाएंगे और उसके बाद आपको फिर sudo देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट apt-get करके apt-get इंस्टॉल किसी भी पैकेज का नाम देते हैं वो बहुत ही आसानी से आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी। अगली कमांड की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है uname, अगर आप लिखते हैं स्मॉल में uname स्पेस tacr, तो ये आपको पूरे सिस्टम की इंफॉर्मेशन दिखा देगी, आपका प्रोसेसर कौन सा है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको अपने टर्मिनल पर दिख जाएंगी और आप अपने सिस्टम के बारे में और ज्यादा जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं, देख सकते हैं। अब अगली कमांड जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते होंगे लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, वो है apt-get। अब इसको sudo के साथ इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि सुपर यूजर को ही प्रिविलेज होते हैं ऐसे पैकेज इंस्टॉल करने के लिए, तो इस कमांड को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको sudo लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने पहले से ही sudo su कर रखा है तो आपको पहले ही रूट प्रिविलेज मिल चुके हैं और आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फ्रेशली अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे sudo स्पेस apt-get और इंस्टॉल लिख के आप किसी भी पैकेज का नाम लिख सकते हैं, जैसे jet nmap, या पहले तो nmap पहले से ही आएगा आपको ज़्यादातर सिस्टम में लेकिन नहीं है तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, आप tor इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे apt-get इंस्टॉल tor ऐसे कर सकते हैं, और apt-get अपडेट करने से आपका जो सिस्टम है अपडेट हो जाएगा। अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप apt-get upgrade लिख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिए और apt-get का इस्तेमाल करके नए पैकेजेस को आप बहुत इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। अगली कमांड आती है ping की, जिसका इस्तेमाल किया जाता है ये चेक करने के लिए नॉर्मली कि आपका जो कंप्यूटर है, जो आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो इंटरनेट से कनेक्टेड है या नहीं। तो आप अगर लिखते हैं टर्मिनल पर जाकर स्मॉल लेटर्स में ping स्पेस देने के बाद google.com, तो आपके कनेक्शन को चेक किया जाता है, ये देखा जाता है कि कितने में आपका कंप्यूटर google.com से जाके कनेक्ट होता है, क्या रिस्पांस आता है, वो चीजें आपको देखने को मिलती हैं। जो बेसिकली इस कमांड का जो नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है वो इसलिए चेक किया जाता है, इसलिए किया जाता है, ये चेक करने के लिए किया जाता है कि आपका जो कंप्यूटर है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है या नहीं, फिर आपको रिस्पांस निकल आता है कि ये पिंग आ रही है, पिंग कर पा रहा है मतलब इंटरनेट कनेक्शन है।
उस तक आप उस साइट तक आपका सिस्टम पहुंच रहा और आप पहुंच रहे हैं। और हम बात करते हैं एक कॉम्बिनेशन की कॉम्बिनेशन की, अगर आप कोई कमांड चला रहे हैं और आप उसको बंद करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल और सी दबा सकते हैं, वो कमांड या प्रोसेस जो भी कमांड का चल रहा है वो वहीं बंद हो जाएगा। अगर आप फिर भी बंद नहीं हो रहा है तो कंट्रोल जेड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और वो कमांड का जो प्रोसेस है वो तुरंत वहीं रुक जाएगा जो भी कमांड चल रही है, और आप इजीली सेफली वहां से एग्जिट कर सकते हैं। एग्जिट करने के लिए अगर आप अपने टर्मिनल पर स्मॉल लेटर्स में लिख देंगे एग्जिट, तो आपका टर्मिनल बंद हो जाएगा। और आप चाहते हैं अपने सिस्टम को ऑफ करना तो आप लिख सकते हैं sudo halt, तो आपका कंप्यूटर आपका सिस्टम बंद हो जाएगा, और आप sudo reboot लिख देंगे तो आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा। ये कमांड थी उन लोगों के लिए जो बहुत ही बिगिनर हैं, जो बहुत शुरुआत कर रहे हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद, जिनको कमांड नहीं पता चलती है, उनके लिए एक छोटी सी वीडियो थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आ गए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, टेक्नोलॉजी, व्लॉग्स, फैक्ट्स और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने लेकर आता रहता हूं, आपको नई नई चीज़ें सिखाता रहता हूं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।